नबी का तरीका है, बहुत से सहाबिया को रात में बच्चा पैदा हुआ, बच्चा रोता रहा, एक दूसरा बुलाया, तो जब सुबह होगी हमारे बच्चे को हम भगाएंगे और अल्लाह के नबी अपने मुंह के अंदर खजूर का टुकड़ा लेकर खूब अच्छी तरीके से सिरा से नर्म कर देंगे और हमारे लखे जिगर के मुंह में डालेंगे, ताकि सबसे पहले मेरा लखे जिगर इस दुनिया में आया है तो उसके मुंह के जिगर किसकी बने, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झूठ बने, इसको तहलील कहते हैं। ये सुन्नत आज मुर्दा हो गई है। जब बच्चा पैदा हो तो घर के अंदर कोई बुजुर्ग है या रिश्तेदारों में कोई है तो नबी की सुन्नत को जिंदा करने की जरूरत है कि वो शख्स खजूर का एक टुकड़ा ले, खूब अच्छी तरीके से चबाए और उसके मुंह में डाल दिया जाए। ये सारी सुन्नतों को हम भूल जाते हैं, लेकिन लड्डू बनाना, हजारों रुपया खर्च करना नहीं भूलते। أهدنا حوله ولا ظلام حالق فأنا دربي وبدر المدين نورك نورك क्या मांग रहे थे, पर इससे कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तेरी रहमत की आरज़ू मनते अपने गुनाहों की बख्शिश तलब कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ऐ फरिश्तो तुम गवाह रहो कि उस मजलिस के तमाम लोगों को हमने बख्श दिया। तो एक फरिश्ता ठहरता है और कहता है अल्लाह तबारक व तआला उसमें चंद लोग ऐसे थे जो दिल के इरादे से उस मजलिस में आके नहीं बैठे थे, बस जा रहे थे, इत्तेफाकिया तौर पर उस मजलिस में शामिल हुए और बैठकर सुनने लगे। क्या उन लोगों के लिए भी तेरा ये ऐलान है? अल्लाह तबारक व तआला कहता है मेरे फरिश्तों तुम लोग गवाह रहो, इस पर शाहिद रहो, मेरे जाहो जलाल की कसम, मेरे इज्जत की कसम, जो लोग भी उस मजलिस में शामिल हुए, चाहे दिल के इरादे से या बिला दिल के इरादे से, मेरे जात की कसम हमने तमाम लोगों को बख्श दिया। तो अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के मिसाक बनाकर हमारी इस मजलिस को बाईस रहमत और मगफिरत वाली बना दी। चुनांचे जो आयत करीमा हमने पढ़ी, जो हमें मजमून दिया गया था, उसकी निस्बत से
बड़ी मशहूर मारूफ है, आप लोगों ने बारहा सुना होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम, आठ चीजों का जिक्र किया। फितरी तौर पर इन आठ चीजों से इंसान मोहब्बत करता है, उल्फत रखता है और चाहत होती है। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया अगर कोई शख्स इन आठ चीजों या आठ चीजों में से किसी चीज की मोहब्बत अल्लाह व रसूल के ऊपर गालिब कर देता है तो फता रब्बसु हत्ता यातिया अल्लाह, अब उसको इंतजार करना चाहिए कि अल्लाह ताला आसमान से कोई आदाब नाजिल कर दे। और अल्लाह ऐसे फासिकों से मोहब्बत भी नहीं करता और हिदायत भी नहीं देता है। अब वो आठ चीजें कौन सी हैं? सबसे पहले चीज कुल इनकान आबा उकुम, बाप दादा, इन चीजों से सारे लोग मोहब्बत करते हैं और इस चीज की इतनी मोहब्बत होती है, इतनी मोहब्बत होती है कि इंसान इन चीजों की मोहब्बत में कभी कभी अल्लाह और रसूल की बात को भी ठुकरा देता है। और सिर्फ ठुकराता ही नहीं है, अगर कोई शख्स कुरान व हदीस की बात करे तो उनको मारने के लिए भी तैयार होता है। और जमाने माजी में आप देखो, अल्लाह की कसम बाप दादा की मोहब्बत में आकर लोगों ने नबियों को भी कत्ल कर दिया है। कुल इनकान आबाउकुम, कुरान की इस आयत पर जरा गौर करें कि किस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने एक एक चीज का जिक्र किया। और अल्लाह ने कहा कुल इनकान आबाउकुम, कह दीजिए नबी कि बाप दादा से भी ज्यादा तुम अल्लाह व रसूल की मोहब्बत करो, मोहब्बत को गालिब रखो। चुनांचे किस तरीके से बाप दादा के रस्म रवाज, बाप दादा के तरीके में की मोहब्बत में आकर लोग नबियों की बात को ठुकरा दिए, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह किताबुल ईमान के अंदर नकल करते हैं। अबू तालिब का वाकया, अबू तालिब बिस्तरे मर्ग पे पड़ा हुआ है, चंद सांसें जिंदगी की बाकी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास गए, सिरहाने बैठ गए और नबी के पास पहले ही से दो तीन गुंडे बैठे हुए हैं, अबू जहल वगैरह। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं बड़े प्यारे भरे अंदाज में, ऐ चचा जान, आप कम से कम आखिरी वक्त में ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, ये काफी हो जाएगा, एक हुज्जत बन जाएगी अल्लाह ताला के सामने, इस हुज्जत के वजह से मैं आपकी शिफात कर सकूंगा। जब आपने ये बात कही तो इस उम्मत के बड़ा गुंडा वहां पर बैठा हुआ था अबू जहल, उसने कहा अय अबू तालिब, पूरी जिंदगी तुम अपने बाप दादा के तरीके पे थे, उनके मिल्लत के थे, उनके रवाज के थे, क्या मरते वक्त तुम अपना दीन बदल दोगे बाप दादा का कि लोग मरने के बाद तुम्हारा मजाक उड़ाए कि मरते वक्त अबू तालिब ने बाप दादा के तरीके को छोड़ दिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात कही बड़े प्यार भरे अंदाज, चाचा जान ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह के वास्ते कह दो। उन लोगों ने वही बात दोहराई, बार बार नबी चचा को तलकीन करते रहे लेकिन वो बदमाश लोग बार बार बाप दादा के तरीके की दहाई करते देते रहे। यहां तक कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं जब अबू तालिब की रूह निकली तो उसके जबान से था मिल्लता अब्दुल मुत्तलिब, कि मैं मर रहा हूं अब्दुल मुत्तलिब के तरीके पर, उसके मिल्लत पर, उसके दीन पर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये अल्फाज सुने तो बड़ी तकलीफ हुई क्योंकि चचा से बड़ी मोहब्बत थी। आपके जबान से निकला मैं उस वक्त तक अपने चचा जान के लिए मगफिरत की अल्लाह से दुआ करते रहूंगा जब तक कि अल्लाह ताला मुझे मना ना कर दे। चुनांचे आप उस वक्त तक दुआ करते रहे जब तक कि सूरह तौबा की आयत रब ने नाजिल ना किया वमा कान इस्तिगफार इब्राहीम लियबीही इल्ला अम मौइदतिन वअदहा इया फलम्मा तबयन लहु अन्नहु अदुव्वु लिल्लाहि तबर्रअ मिन्हु। ऐ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम,
आपको भी हुक्म दिया जा रहा है और आपके मानने वाले तमाम मोमिनीन को भी यही हुक्म अल्लाह के जानिब से दिया जा रहा है और यही हुक्म अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए भी दिया था कि जब किसी शख्स के बारे में मालूम हो जाए गरचे वो तुम्हारा करीबी रिश्तेदार हो, अजीज हो, दोस्त हो, अहबाब हो, माँ हो, बाप हो, अगर ये मालूम हो जाता है कि वो अल्लाह ताला का दुश्मन था, अल्लाह के रास्ते पे नहीं था, तो उसके लिए इस्तग़फार और मग़फ़िरत की दुआ करना जायज नहीं है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत करीमा नाजिल की तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके बाद कभी भी अपने चचादान के लिए दुआ नहीं की। तो अल्लाह ने फरमाया कुल इन कान आबाउकुम, ऐ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह दीजिए उस वक्त तक अल्लाह और रसूल की मोहब्बत का हक अदा नहीं होगा जब तक कि अपने बाप दादा की मोहब्बत को भी अल्लाह और रसूल की मोहब्बत पर कुर्बान ना कर दो। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया अब नाअकुम, बेटों से भी बड़ी मोहब्बत होती है, बड़ी उल्फत होती है, बड़ा प्यार होता है। और सिर्फ अल्लाह ने बेटा कहा, इसका मतलब बेटा नहीं बल्कि बेटियां भी, क्योंकि फितरी तौर पर उस वक्त भी आज भी देखा जाता है लोग बेटों से जितनी चाहत रखते हैं बेटियों से चाहत नहीं रखते। नहीं तो आप किसी घर में देख लिए, किसी के घर में एक बार बेटी पैदा हुई सास बर्दाश्त कर लेती, शौहर बर्दाश्त कर लेता है, इत्तेफाक से दूसरी बार अगर बेटी पैदा हो गई तो सबसे पहले सास जी नाराज हो जाती है, क्या रे कैसी मनहूस है दूसरी बार भी बेटी को जन्म देती है। शौहर कहता क्या रे दाइल इस बार भी तूने बेटी को जन्म दिया, अब उस बेचारी का क्या कसूर है, उसके हाथ में थोड़ी है कि वो बेटी को जन्म दे या बेटा को जन्म दे, ये इख्तियार तो अल्लाह तबारक व तआला। अब ऐसे लोग शर्मिंदगी और निदामत तसव्वुर करते हैं, किसी के सामने कहते हुए डरते हैं कि मुझे बेटी पैदा हुआ। यही हालत, यही ज़हनियत मुशरिकीन और काफिरीन की थी। अल्लाह ताला ने सूरह नहल में कहा वइदा बुशिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीब يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون। जब उन लोगों को बेटी के पैदा होने की खुशखबरी दी जाती है तो उनका चेहरा मारे शर्म और निदामत के स्याह और काला पड़ जाता है। अब वो सोचते हैं आया इस निदामत को, इस शर्मिंदगी को, इस जिल्लत को पाले या कि जमीन में जिंदा दफन कर दें। उस वक्त भी यही मिजाज था और आज ही इत्तेफाक से इल्ला माशाअल्लाह लोगों में यही मिजाज बन गया है। तो कहने का मतलब ये अल्लाह ने फरमाया अब ना अकुम, तुम्हारे बेटे, ये बेटे भी कितने होते हैं, कभी कभी लोग बेटों की मोहब्बत में आकर अल्लाह और रसूल का हुक्म भूल जाते हैं। मिसाल के तौर पर गैरों की अगर कोई त्योहार आ गया, कोई ईद आ गई तो हम देखते हैं भाई बाजू वाला उनका त्योहार है पतंग उड़ाने का, चलो छोटे बच्चे को भी पैसे दे दो, छोटा है मासूम है, अगर नहीं दिए तो अंदर से भी क्या मियां उनका बच्चा उड़ा रहा है, तुम भी दो रुपया दे दो तो क्या फर्क पड़ता। यहां दो रुपए की हकीकत नहीं है, लेकिन हकीकत किसकी है कि वो रकम किसका है, उस अकीदा किसका है, वो ईद किसकी है, यहां दो रुपए का मामला नहीं है। हम अपने बेटे को दो रुपया देकर पतंग उड़ाने के लिए उनके ईद उनके त्योहार के वक्त गोया हम इस बात को अपने बेटे को तालीम दे रहे हैं कि ये जो त्योहार मना रहे कोई गलत है नहीं है। और याद रखो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तत्तखज़ुल लज़ीन तत्तखज़ू दीनकुम हुज़वन वला लज़म, ऐ ईमान वालों खबरदार उन लोगों से दोस्ती ना रखना, उन लोगों से ताल्लुक ना रखना, उन लोगों से मोहब्बत ना हो जो लोग तुम्हारे दीन का ईमान का मजाक उड़ाया करते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ उनसे दूर ही नहीं होते, अभी आपने खतीब साहब से इमाम साहब से आयत सुनी सूरह तहरीम की या अय्युहल्लज़ीन आमनू कू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वकूदुहन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन, ऐ ईमान वालों
उस दोजख से तुम अपने आप को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ। जिस दोजख के अंगारों में जलाए जाने वाली चीज तुम खुद हो और पत्थर है। सिर्फ अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि अपने आप को बचाओ, अपने आप को भी बचाओ और अपने बीवी और बच्चों को भी बचाओ। जब हम गैरों के रसम के लिए अपने बच्चे को पैसा देते हैं तो गोया हम अपने बच्चे को ये अकीदा दे रहे हैं कि वो ईद वो त्योहार तुम्हारा इस्लाम गलत नहीं मानता। ऐसे लोगों को अगर बड़े होने के बाद यह किया कहा जाए, बेटा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उसी में से हो जाएगा। अब अगर किसी शख्स ने किसी के ईद के वक्त उसके रस्म रवाज को अपनाया तो गोया वो शख्स अल्लाह की नजर में वही हो गया। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फअबवाहु युहब्बिदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। अल्लाह ताला हर बच्चे को दीन फितरत पर पैदा करता है, उसकी फितरत ही होती है दीन। लेकिन उसकी माँ, उसका बाप उसको यहूदी, मजूसी, नसरानी, मुशरिक, मुनाफिक और काफिर बना देता है, क्योंकि उसका काम तो यह था कि बचपन से ही उसके अंदर तौहीद ठोक ठोक कर भरे, लेकिन उसने तौहीद के बजाय मुशरिकों का अकीदा भर दिया है। तो अब ना हुकुम, आज लोग अपने आप को बचा लेते हैं लेकिन बेटे और बीवी की मोहब्बत में आकर अल्लाह व रसूल के पैगाम को भूल जाते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़्वाजिकुम व औलादिकुम अदुवल लकुम फहज़रूहुम, ऐ ईमान वालो तुम्हारी बेटियां और तुम्हारी औलाद तुम्हारे दुश्मन है, फहज़रूहुम उनसे बचो। यह आयत करीमा कब नाज़िल हुई थी? जब अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को हुक्म दिया, ईमान वालों को मक्का के लोगों ने सता सता कर परेशान कर दिया, बेबस मजबूर कर दिया, तो अल्लाह ताला ने ईमान वालों पर रहमत की नजर डाली और कहा है नबी अलैहिस्सलाम आप और आपके मानने वाले जितने हैं मक्का को छोड़कर मदीनतुल मुनव्वरा चले जाए, वहां के लोग आपकी भी हिफाजत करेंगे, आपके ईमान की भी हिफाजत करेंगे। उस वक्त बहुत सारे सहाबा मक्का छोड़कर मदीना चले गए, लेकिन कुछ ऐसे सहाबा इकराम थे उनकी बीवी आकर ठहर गई, उनका बेटा आकर ठहर गया, उनकी बेटी आकर ठहर गई, उनकी बहन आकर ठहर गई और कहने लगे पूरी जिंदगी तुम यहाँ गुजारे, यहाँ तुम्हारी जायदाद है, तुम्हारा घर बार है, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे औलाद है, ऐसे कैसे तुम दीन की मोहब्बत में सबको छोड़कर मदीनतुल मुनव्वरा चले जाओगे। बेटों की मोहब्बत में आकर, बीवियों की मोहब्बत में आकर हिजरत करना छोड़ दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़्वाजिकुम, ऐ ईमान वालों तुम्हारी बीवियां और तुम्हारी औलाद दुश्मन है तुम्हारी, क्योंकि हमारी वो बीवी वो औलाद दुश्मन है जो हमें मजबूर करे अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करने पर। अल्लाह ने कहा ऐसे बेटी, ऐसे बेटे और ऐसी बीवियों से बचना वह जरूर, क्योंकि ये तुम्हारे दुश्मन है। लेकिन आज हम देखते हैं वह अबनाउकुम, अल्लाह ने फरमाया अपने बेटों की मोहब्बत पर अल्लाह और रसूल की मोहब्बत को जब तक गालिब नहीं करोगे ईमान सही नहीं होगा। लेकिन हमने ये चीज नहीं देखा, तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह और रसूल की मोहब्बत को औलाद और घर वालों की मोहब्बत पर तरजीह दें। चुनांचे अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा के अंदर फरमाया وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ, कुछ लोग ऐसे हैं कि अल्लाह के शुरका ठहराते हैं और उनसे वैसी मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करना चाहिए, जैसे अल्लाह से मोहब्बत करना चाहिए वो लोग उनके शिरका से ठहरते हैं। अब जाहिर बात है कोई शख्स अल्लाह और रसूल के हुक्म पर अपने बेटे की मोहब्बत अपने बीवी की मोहब्बत को तरजीह देता है तो गोया अल्लाह के बराबर उसको ठहरा दिया, जबकि ईमान वाले के ईमान का तकाजा है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले के ईमान का तकाजा यह है, ईमान वालों का मामला यह है कि अल्लाह की मोहब्बत में बड़े सख्त होते हैं और तमाम मोहब्बतों को वह छोड़ देते हैं अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, आज हम देखते हैं कोई शख्स पीर बाबा का कुछ कह दे, मुर्शद बाबा के बारे में कुछ कह दे,
मौलवी के बारे में कुछ कह दे, फला के बारे में कह दे, बाप दादा के बारे में कुछ कह दे, औलाद के बारे में कुछ कह दे, तो पारा गरम हो जाता है, मारने मर मिटने के लिए तैयार। लेकिन ऐसे लोगों को देखा जाता है, अल्लाह के बारे में कोई शख्स गुस्ताखी के अल्फाज निकले तो जिस्म के अंदर जोश खून नहीं मारता है। रसूल की ना जाने कितने हदीसों को छोड़ा जाता है, कितने फरामीन को छोड़ा जाता है, और किस तरीके से नबी और नबी के सहाबा के सामने गुस्ताखी की जाती है। हम में से किसी का खून खौलता नहीं। बाप दादा के ऊपर बात आए, मौलवी के बात आए, मुर्शद की बात आए तो खून खौलने लगता है। वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। आइए हम देखें कि मोहब्बत, हम देखते हैं कि हर शख्स आज जलसों में मोहब्बत रसूल, मोहब्बत रसूल, लेकिन अल्लाह से मोहब्बत का मजमून इत्तेफाक से किसी को हमने उठाते हुए देखा होगा, इल्ला माशाल्लाह। आप लोगों ने भी कभी पोस्टर पे नहीं पढ़ा होगा, किसी मौलवी का मजमून भी नहीं पढ़ा होगा अल्लाह से मोहब्बत। किस तरीके से अल्लाह ताला ने फरमाया, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين سورة آل عمران آيات نمبر 31-32 اے نبی کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی میری پیروی کرو جب تم نبی کی پیروی کرو گے تو یحببکم اللہ محبوب سے محب بن جاؤ گے محب سے محبوب بن جاؤ گے اور دوسرے اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ کو بخش دے گا قل اطیعوا اللہ والرسول اور اے نبی کہہ دو اگر اللہ و رسول کے اطاعت سے فرما برداری سے منہ موڑتے ہو اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا گویا اللہ اور اللہ کے حکم سے رسول کی اطاعت سے رسول کی اطاعت سے اگر کوئی شخص منہ موڑ لے پیٹھ دکھا دے تو اللہ کی نظر میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ انسان کافر ہوتا ہے یہ کسی مولوی کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے کہ اب اس کے بعد بھی کسی اور سے فتویٰ لینے کی ضرورت پڑے اور یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی یہود لوگ تھے اپنے نبی سے ان کو بڑی محبت تھی اور ان کی محبت ان کی عظمت نے آ کر اتنا بڑھایا ان کو اتنا بڑھایا حضرت عزیر کو اتنا بڑھایا کہ اللہ کا بیٹا ہی کہہ دیا اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت میں عظمت میں مقام اور مرتبے کو سامنے رکھ کر اتنا بڑھایا اتنا بڑھایا محبت میں دشمنی میں نہیں کہ انہوں نے بھی اللہ کا بیٹا یا تین میں سے ایک قرار دی یہ ساری باتیں غلو جو ہوئی تھی محبت میں ہوئی تھی اور آج ہم نبی سے محبت کرتے ہیں نبی کی محبت میں آ کر نبی کے مقام کو اتنا بلند کیا اتنا بلند کیا نبی کو انسان نہیں مانا بلکہ نور کہہ دیا کہ اللہ نے ان کو بنایا ان کے نور سے ساری کائنات کو بنا دیا تو ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تمہاری نجات تمہاری کامیابی نہیں کامیابی کس میں قل ان کنتم تحبون اللہ کامیابی کس میں ہے اللہ سے محبت میں پہلے اللہ سے محبت اور اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کی دلیل بھی ہونا اس کا ثبوت بھی ہونا اور اس کا ثبوت اس کی دلیل اللہ سے محبت کرنے کی فاتبعونی رب نے کہا ہے نبی اگر یہ لوگ رب سے محبت کرنے میں صحیح ہیں تو آپ کہہ دیئے میری پیروی کریں اور اتباع کس کو کہتے ہیں اتباع کہتے ہیں کوئی شخص یہاں سے چلتا ہوا چلا جائے اب اس آگے جانے والے شخص کی کوئی اتباع کرتا ہے تو اس کے قدم کے نشان پر اپنے قدم کو رکھتے ہوئے چلا جائے یہ اتباع ہے اگر کوئی شخص جانے والے کی اتباع کرنا چاہتا ہے لیکن جہاں اس کے قدم کے نشان ہے وہاں نہیں بلکہ آزو بازو رکھ دیتا ہے تو اس کو اتباع پیروی نہیں کہیں گے لیکن افسوس آج ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے نبی کی پیروی کر لینا اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے زندگی بھر کے گناہ کو بخش دے گا لیکن آج ہم دیکھتے ہیں
नबी की मोहब्बत तो छोड़ो, नबी की सेवा छोड़ो, हमारा मुर्शद पहले नबी बाद में, हमारा इमाम अव्वल नबी बाद में, हमारा पीर पहले और नबी बाद में, हमारे बाप दादा का तरीका पहले और नबी बाद में। आज हमारी मोहब्बत का आलम यह है मेरे भाई। याद रखो, किसी शख्स को से मोहब्बत करने के लिए उसको देखना जरूरी है। अब अल्लाह ताला की तारीफ में हमने कुरान को सुना और फितरी तौर पर हम लोगों से मोहब्बत हो गई, हम लोगों को अल्लाह से मोहब्बत हो गई। और जिससे जितनी मोहब्बत होती है उसके दिल में उतना ही जज्बा, तड़प, बेकरारी होती है उसको देखने की। आप दुनिया के बारे में भी देख लिए, कोई किसी से मोहब्बत करता है तो बेकरार रहता है उससे देखने, उसको देखने के लिए, और उसको देखने के लिए दुनिया की हर दौलत कुर्बान कर देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अगर मुझे देखना है तो मेरे नबी के नक्शे कदम पर चलते चले आओ, मेरा दीदार हो जाएगा। ला तुद्रिकुल अबसार वहुवा युद्रिकुल अबसार वहुवा लतीफुल खबीर। रब को कोई निगाह मुहित नहीं कर सकती, लेकिन अल्लाह के निगाह सबको इहाता की है। अल्लाह को ना कोई यहां देखा है ना कोई वहां देख सकता है, लेकिन देखता है आखिरत। कैसे देखेगा? जन्नती जब जन्नत में होंगे तो जन्नत में दाखिल होने के बाद देखेंगे। और बुखारी शरीफ की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम देखना चाहते हो रब को जैसे चौदहवीं रात का चांद देख रहे हो, तो तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम सुबह की नमाज की पाबंदी कर जाना। गोया जब तक चार नमाज कोई पढ़ा, सुबह की नमाज की पाबंदी ना किया, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। चार नमाजों के साथ साथ नमाज फजर भी पाबंदी की तो अल्लाह तबारक व ताला उसको जन्नत में दाखिल करेगा, फिर अल्लाह ताला अपना दीदार करेगा। लेकिन ऐसे नहीं जैसे हम आप एक दूसरे को देख रहे हैं, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वैसे देखोगे जैसे चांद को तुम देख रहे हो। तो खैर, दीन पर चलना भाई बड़ा मुश्किल है, कोई नहीं चलता, ना हम चल सकते, ना आप चल सकते, ना कोई सच चल सकता। लेकिन दीन पर चलना बड़ा ही आसान है, बड़ा सहल है। अगर किसी शख्स को अल्लाह से मोहब्बत नहीं है, अल्लाह से प्यार नहीं है, तो अल्लाह की कसम दीन पर चलना, दीन का हर हुक्म बजा लाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। नमाज पढ़ना उसके लिए मुश्किल और गिरा गुजरता है। लेकिन अगर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है तो अल्लाह की कसम नमाज रोजा तो छोड़ो, सुन्नतें तो छोड़ो, अल्लाह की अल्लाह से मोहब्बत हो, अल्लाह के हुक्म पर गर्दन कटाना भी आसान हो जाता है। शर्त यह है, रब से जितनी मोहब्बत होगी दीन पर अमल करना भी उतना आसान होगा। तो दीन के अंदर सबसे पहले हमारा फरीजा यह है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करें, और अल्लाह से मोहब्बत करने के बाद नबी से मोहब्बत करें। लेकिन नबी से मोहब्बत कैसे हो? नबी से भी मोहब्बत हो तो अल्लाह के लिए हो। ये नहीं कि आप नबी हैं और आप मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हैं, आपसे मोहब्बत कर ले, ये नहीं। बल्कि नबी से भी मोहब्बत करें तो अल्लाह की मोहब्बत के लिए मोहब्बत करें। अगर हमारी मोहब्बत नबी से अल्लाह की मोहब्बत के लिए नहीं है तो अल्लाह की कसम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी हमें दोज़ख से नहीं बचा सकती है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह मुस्लिम शरीफ किताबुल ईमान के अंदर हदीस नकल करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख में दोज़खियों में से सबसे हल्का आजाब सजा मेरे चचा अबू तालिब को दी जा रही है। सबसे हल्का अजाब, सबसे हल्की सजा, ये कौन था? सबसे ज्यादा नबी से मोहब्बत करता था। अल्लाह की कसम पूरे कौम से टकरा गया अपने भतीजे की मोहब्बत में, और मोहब्बत इतनी थी कि जब सारे लोग सो जाते थे तो नबी को उनके बिस्तर से हटाता और नबी के बिस्तर पे अपने लगते जिगर को सुला देता था।
ताकि नबी को कोई मारने आए तो नबी की जान बच जाए, मेरे प्यारे दुलारे भतीजे की जान बचे। अगर कोई नबी के बदले काटा जाए, कत्ल किया जाए, तो मेरी औलाद, मेरा लख्त जिगर काटा जाए। इतनी मोहब्बत थी। अल्लाह की कसम, इस कदर दुनिया के अंदर किसी शख्स ने किसी से मोहब्बत ना किया होगा। बहुत नबी से मोहब्बत थी, लेकिन इसकी मोहब्बत अल्लाह के लिए नहीं थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दोज़ख के अंदर सबसे हल्का अज़ाब मेरे चचा जान को दिया जा रहा है, और वो सबसे हल्का अज़ाब क्या है? दोज़ख के अंगारों की जूती बनाकर मेरे चचा जान के पैरों में डाल दी गई है, जिसके वजह से मेरे चचा का दिमाग इस तरीके से खोल रहा है, इस तरीके से पक रहा है, जिस तरीके से हाड़ी में खाना पकता है और उबलने की आवाज आती है। ये कौन था जिसको नबी से मोहब्बत थी? मोहब्बत नबी से थी लेकिन अल्लाह के लिए नहीं थी, तो नबी की मोहब्बत भी अबू तालिब को दोज़ख से ना बचा सकी। तो इसलिए हम अल्लाह के लिए नबी से मोहब्बत करें, वो मोहब्बत हमारे कामयाबी की जमानत बनेगी, एक चीज। और दूसरी चीज, जब हम अल्लाह के लिए नबी से मोहब्बत करते हैं तो नबी की मदद भी होना चाहिए। यह है मोहब्बत का अहम तकाजा। अगर हम सिर्फ मोहब्बत करें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना करें, तो गोया हम अपने दावे में, अपनी मोहब्बत में झूठे, काजिब और मुनाफिक हैं। इस वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने सारे नबियों से नबी की मोहब्बत करने का अहद, नबी की मदद करने का अहद पैमान लिया। सूरह आल इमरान आयत नंबर 81, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِثْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ رب تعالیٰ کہتا ہے ہم نے عہد و پیمان لیا پختہ سارے نبیوں سے کہ ہم ایک نبی بھیجیں گے اس کو کتاب دیں گے وہ تمہارے کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ اور اس کی تم مدد کرو اس کی تم مدد کرو نصرت کرو قال اقررتم کیا تم لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہو قالوا اقررنا سارے نبیوں نے اپنی زندگی میں کہا ہاں اقرار کرتے ہیں قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين رب نے کہا تمہارے اس اقرار پر اس عہد و پیمان پر تم بھی گواہ رہو اور تمہارا رب بھی گواہی دینے والا ہے اور اگر تم اس عہد و پیمان سے پلٹ گئے اور تم نے یہ سوچ لیا یہ نبی ضرور ہیں ان کو کتاب ضرور دی گئی لیکن رب نے مجھے بھی نبی بنایا رسول بنایا کتاب دی ہم اس کے اوپر ایمان کیوں لائے اور اس کے پیچھے چل کر اس کی مدد کیوں کرے دین پھیلانے میں تو سن لو قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر میں تم فاسق اور فاجر بن جاؤ گے اگر تم عہدے سے ہٹ گئے عہد و پیمان سے منہ موڑ لیا تو صرف نبوت ہی رب تمہاری نہیں چھینے گا بلکہ تم کو فاسق اور بے ایمان بنا دے گا جب نبیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنا زبردست چیلنج ہے وارننگ ہے تو جو ہم نبی کے امتی ہیں جن کے اوپر اللہ نے فرض قرار دیا نجات کے لیے ایمان کے لیے ان کی مدد کریں ان کے سنتوں پر عمل کر کے ان کی سنتوں کو عام کریں اگر ہم نبی کی سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے باپ دادا کے طریقے کو اپنا لیں گے پیر اور مرشد کے پیچھے لگ جائیں گے مولویوں کے فقہ کے پیچھے لگ جائیں گے تو گویا ہم نے نبی کی مدد نہ کی نبی کی نصرت نہ کی تو اللہ تعالیٰ کے نظر میں
हम भी काफिर हो जाएंगे। कुल अतीउ अल्लाह व रसूल फइन तवल्लौ फइन अल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन। जो शख्स अल्लाह व रसूल के दास से मुंह मोड़ लिया, अल्लाह ताला ऐसे काफिरों को पसंद नहीं करता। फिर से ईमान ही अल्लाह नहीं निकालेगा बल्कि अल्लाह हमको काफिर बना देगा। लेकिन आज हम अपने माशरा, अपने माहौल, अपनी सोसाइटी का मुजाहिरा कर लें। एक मामला आ गया शादी करने का, अल्लाह व रसूल का हुक्म है शादी शादी हो, अल्लाह उसमें बरकत दिया है। लेकिन खाला अम्मा क्या कहती हैं, आखिरी बेटा है ऐसे कैसे शादी कर देंगे, कोई यतीम थोड़ी है, मोहताज थोड़ी है, अरे हम जिंदा हैं, हमारी आखिरी ख्वाहिश है मरने के बाद इसके ऊपर पूरी भड़ास निकाल लें। अब दुनिया भर के रस्म रवाज शिरकिया कुफरिया हुआ करता है, सोचिए वहां हमने अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म भूल दिया। एक औलाद पैदा होती है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान, जब औलाद पैदा हो तो सबसे पहले क्या, हसन हदीस है इसके ऊपर मुहद्दिसीन ने कलाम किया, लेकिन हमारे असलाफ का इस पर तरीका है, इसलिए यह तरीका चल रहा है। आजान दी जाए, लोग आजान भूल जाते हैं, नबी का तरीका है। बहुत से सहाबिया को रात में बच्चा पैदा हुआ, बच्चा रोता रहा, लेकिन अल्लाह के कसम एक कतरा दूध का दूध ना पिलाया। क्यों? जब सुबह होगी हमारे बच्चे को हम भेजाएंगे और अल्लाह के नबी अपने मुंह के अंदर खजूर का टुकड़ा लेकर खूब अच्छी तरीके से सिवाक नर्म कर देंगे और हमारे लखते जिगर के मुंह में डालेंगे, ताकि सबसे पहले मेरा लखते जिगर इस दुनिया में आया है तो उसके मुंह के जिगर किसकी बने, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झूठ बने। इसको तहनीक कहते हैं। ये सुन्नत आज मुर्दा हो गई है। जब बच्चा पैदा हो तो घर के अंदर कोई बुजुर्ग है या रिश्तेदारों में कोई है तो नबी की सुन्नत को जिंदा करने की जरूरत है कि वो शख्स खजूर का एक टुकड़ा ले, खूब अच्छी तरीके से चबाए और उसके मुंह में डाल दिया जाए। ये सारी सुन्नतों को हम भूल जाते हैं, लेकिन लड्डू बनाना, हजारों रुपया खर्च करना नहीं भूलते। सातो दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि तुम अकीका करो, अगर अकीका नहीं किया जाता तो अल्लाह के पास वो बच्चा गिरवी होता है। लेकिन सातो दिन जब अकीका की बात आती है, फूफी कहती है बेटा नहीं, चिल्ला में खूब अच्छी दावत करेंगे, बिस्मिल्लाह का लड्डू बनाएंगे, चिल्ले का नाम रखाई का लड्डू बनाएंगे, दसियों हजार बंदा खर्च करता है, लेकिन नबी के हुक्म के वक्त खर्च करने की उसको हिम्मत नहीं होती। खाला की मोहब्बत आगे आ जाती है, बीवी की मोहब्बत आगे आ जाती है, कभी कहता बच्चा जो है हमारा अस्पताल में है, कभी कहता फला जगह है, आज हज्जाम नहीं मिला। दुनिया भर के खुराफाते और दुनिया भर के उजर सिर्फ इस वजह से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल ना करना पड़े। आज हमारे ईमान का मामला हमारे भाइयों ये हो गया है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि तुम नबी की लितुमिनु बिल्लाह व तुअज्जिरू। अल्लाह ताला ने तो ये कहा तुम नबी की इज्जत करो, नबी के एहतराम करो, उसके सुन्नत की मदद करो। मदद कैसी होगी? हम खुद नबी की सुन्नतों पर अमल करें और फिर दूसरों को अमल कराने की कोशिश करें। यह है नबी अलैहिस्सलाम की मदद। अगर किसी ऐसी जगह बैठे हैं जहां अल्लाह और रसूल की सुन्नत की मुखालफत हो रही है, आप सूरतुन्निसा आयत नंबर 140 उठा कर देख लो। अल्लाह ताला ने फरमाया वक़द नज़ल अलैकुम फिल किताब अन इज़ा समितुम आयातिल्लाहि युकफरु बिहा व युस्तहज़ऊ बिहा फला तक़ुद मअहुम हत्ता यखूज़ू फी हदीसिन ग़ैरि इन्नकुम इज़ा मिस्लुहुम इन्नल्लाहा जामिउल मुनाफ़िक़ीन वल काफ़िरीन फी जहन्नम जमीआ। अल्लाह ताला हम लोगों को नसीहत क्या कर रहा है और तहकीकी वक़द नज़ल अलैकुम फिल किताब, जो चीजें हमने किताब में नाजिल की है, अन इज़ा समितुम आयातिल्लाहि युकफरु बिहा व युस्तहज़ऊ बिहा, जब तुम सुनो कुरान की उस आयत के साथ, नबी के उस फरमान के साथ,
कुफ्र किया जा रहा है, वो युस्ताज़ऊ बिहा या उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, उस चीज का वजन तंग किया जा रहा है। सलाता कौद माहुम, अय मुसलमानों खबरदार ऐसे लोगों के मजलिस में कभी ना बैठना। आज हम लोग शादियों में जब जाते हैं तो बताइए क्या आलम रहता है, वीडियोग्राफी दुनिया भर की, वहां पर उरियानियत दुनिया भर के ना जाने क्या रस्म रवाज होते रहते हैं, ये सब के सब अल्लाह व रसूल के फरमान के खिलाफ होते हैं, लेकिन हम सब से बड़ी बड़ी डाहियां लेकर वहां पर बैठे और मजाक उड़ाते रहते हैं। हमारे दिल के अंदर थोड़ा जज्बा नहीं पैदा होता कि इनको समझाएं या मना करें या यहां से उठकर चले जाएं। रब ने फरमाया निदा समीतुम आयातिल्लाहि युकफरु बिहा व युस्तहज़ऊ बिहा, जो कानून अल्लाह ने कुरान में नाजिल किया या नबी के फरमान के जरिए से बताया, जब तुम सुनो उसको छोड़ रहे हैं, इनकार कर रहे हैं या मजाक उड़ा रहे हैं। सलात कौद माहू, उन लोगों के साथ खबरदार ना बैठो। इन्नकुम इदन मिस्रु सलात कौद माहू हत्ता यकूदु फी हदीसिन गैरी, यहां तक कि कुरान की उस आयत या नबी की उस हदीस उस मसले का मजाक उड़ाना या उसका इनकार करना छोड़ ना दे। अगर इसके बावजूद भी तुम बैठते रहे, इन्नकुम इदम मिस्लुहुम, तुम भी लाख तल्की हो, मोहिद हो, नमाजी हो, हाजी हो, काजी हो, सब कुछ हो, लेकिन तुमने अल्लाह और रसूल के फरमान का जहां मजाक उड़ाया जा रहा था, जहां तर्क किया जा रहा था, उस मजलिस में तुमने बैठना दोबारा किया तो अल्लाह की नजर में तुम भी उन्हीं के जैसे हो गए। अब तुम दोनों में कोई फर्क नहीं रह गया। और फिर आगे का ऐलान सुनो, इन्ना अल्लाह जामिउल मुनाफिकीन वल काफिरीन फी जहन्नम जमीअ, अल्लाह ताला मुनाफिकों के साथ और काफिरों के साथ तुमको भी दोज़ख में जमा करेगा, क्योंकि तुमने मजाक को बर्दाश्त किया, कुफ्र को मजाक बर्दाश्त करते हुए यहां पर बैठे रहे। ईमान की तीन सीढ़ी बताई गई, एक तो ताकत से रोक दिया जाए, या तो फिर जबान से रोक दिया जाए, या दिल में बुरा समझ कर उस मजलिस को छोड़ दिया जाए। अगर ये तीनों किसने का ईमान नहीं है तो समझ लो हमारे दिल से ईमान का खात्मा हो चुका है। जरा अपने ईमान का अंदाजा लगाओ कि हमने नबी से मोहब्बत का हक कहां तक अदा किया, नबी की सुन्नतों की मदद कहां तक की है। ग़ज़वे तबूक सूरह तौबा उठा कर देखो, वाला सलासतिल लदीन खुल्फू, तीन लोगों के मामले को अल्लाह ने छोड़ दिया। वज़ाक़त अलैहिमुल अर्ज़, उन पर जमीन इतनी कुशादा होने के बावजूद भी तंग हो गई। वज़ाक़त अलैहिम अन्फुसुहुम, सिर्फ जमीन तक नहीं बल्कि उनकी जान भी, उनका नफ्स भी उनके लिए तंग हो गया। एक वाकया का तज़किरा अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा के अंदर किया है। वाकया क्या है, ग़ज़वे तबूक के वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया था, फला जगह फला लोगों से जंग करने के लिए जाना, सब कोई निकल जाओ। सारे सहाबाए इकराम निकल गए, कोई बाकी ना बचा सिवाय मुनाफिक के और तीन मुसलमानों के, हजरत काब रज़ी अल्लाह तआला ने थे। उन्होंने सोचा मुसलमान गए होंगे, ज्यादा ज्यादा 2-4 किलोमीटर गए होंगे, मेरी सवारी अच्छी है, तंदुरुस्त है, तेज तर्रार है, वो लोग सुबह को निकले हैं, शाम को मैं निकलूंगा, घोड़ा भगाऊंगा, वहां तक पहुंच जाऊंगा। ये सोचते सोचते शाम हो गई, नहीं निकल सके, सो गए। सुबह हुई, सोचा कितने गए होंगे, 15 मील गए होंगे, मेरी सवारी बड़ी तेज है, सवार होकर सरपट दौड़ाऊंगा, साथ पकड़ लूंगा। फिर सुस्ती कर ली, सोचा शाम में निकलेंगे, फिर सोचा कल सुबह निकलेंगे। इसी तरीके से सोचते में रह गए, वक्त गुजर गया। अब सोचने लगे कि अब तो जाना बेकार है, पकड़ भी नहीं सकता, अब शायद नबी सहाबा को लेकर वापस आते होंगे। अब ये बहुत कुछ सोचने लगे, क्या नबी के सामने बात बनाओ कि छूट जाए, इस तरीके से। खैर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, मुनाफिकीन आए, झूठ बोलकर चले गए। अल्लाह के नबी ने कहा, जाओ, तुम्हारा मामला अल्लाह का मामला, माफ कर दिया आपने। ये आए बैठे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जानते हैं मैं बातों में गुफ्तगू में कितना तेज हूं, मैंने तो प्लान बहुत बनाया था झूठ बोलने का, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अल्लाह की कसम, कोई उज्र नहीं था, बस सुस्ती थी,
सोचा अब निकलेंगे तब निकलेंगे, ऐसे वक्त गुजर गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा जाओ, तुम्हारा मामला अल्लाह का, छोड़ दिया। इनके साथ दो सहाबी और थे, हजरत मुरारा रजी अल्लाह तआला और हजरत हिलाल बिन उमैया रजी अल्लाह तआला। आपने कह दिया कि इन लोगों से बातचीत बंद कर दो, जितने भी मोहल्ले में या इलाके में या बस्ती में मुसलमान थे सबको मना किया। अल्लाह की कसम नबी का हुक्म आ गया, अब बात करना तो दरकिनार, कोई सलाम न करता था न सलाम का जवाब देता था, न कोई सलाम का जवाब देता न कोई सलाम करता, चाहे भाई हो चाहे बाबा हो। यहां रुक कर एक मसला जरा समझ लेना मेरे भाई, अगर कोई शख्स नबी का फरमान आ जाए, नबी का हुक्म आ जाए, अल्लाह की कसम फिर उसके बाद कोई मौलवी कोई मुफ्ती ताज़ा आता है अपने तरफ से कहता ये नहीं ये बात ऐसी है, तो सारे मुसलमानों का फरीजा है कि मिलकर उसका माशरे से बाइकाट कर दें मुकम्मल तौर पर। इन लोगों ने नबी की नाफरमानी की थी, नबी के हुक्म से अल्लाह की कसम सारे मुसलमान मिलकर बाइकाट कर दिया, न सलाम न कलाम न जवाब कुछ भी नहीं। ये मसला हमेशा याद रखना, क्यों? क्योंकि नबी अब कहता है हमारा गया था, अगर हो सकता कुछ हो जाता, मुसीबत पहुंच जाती, तकलीफ पहुंच जाती, दुश्मन की तरफ से पत्थर आ जाता तो तुम क्या जवाब देते? ऐसा भी तुम्हारा ही तुम्हारा काम था हमारे नबी की मदद करना, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम्हारा ईमान कैसे गवारा किया? हमारा नबी तो दुश्मन के सामने हो और तुम आराम सुकून से इस घर के अंदर नींद करते हो। अल्लाह ताला ने कहा कैसी जरूरत हुई, अगर हमारे नबी को कुछ तकलीफ होती तो कैसा तुम नबी की मदद कर सकती थी। इसलिए मुकम्मल तौर पर बाइकाट। इस दरमियान हजरत काब रजी अल्लाह तआला ने कहते हैं मेरा चचेरा भाई अपने बागीचे में था, मैं अपने चचा के बागीचे के दीवार पे चढ़ा और उधर कूद गया, ऊंची दीवार थी, और गया अपने चचेरे भाई का दादा रजी अल्लाह तआला का अस्सलामु अलैकुम, लेकिन चचेरा भाई था। जरा अपने ईमान का मुआयना करो मेरे भाई, आज हम नबी की सुन्नत नबी का फरमान शरीयत कहां कहां छोटे छोटे दोस्तों और रिश्तेदारियों पे कुर्बान कर रहे हैं, और कहते हो भाई इतने सख्त बनेंगे तो फिर ये रिश्तेदारियां कैसे, ये भी जोड़ने का हुक्म है। खाली अल्लाह और रसूल का मामला, जब ही रिश्तेदारियां, जब हमारा की बात आ रही उन्हें कौन की मैं कौन की, उस वक्त याद नहीं आता, सोचने का मकाम है। हजरत अबू कदादा रबी अल्लाह तआला के पास गए, दीवार ऊंची फलांग कर कहा अस्सलाम वालेकुम चचा दाद भाई ने जवाब नहीं दिया, ये नहीं सोचा रिश्तेदारी, आंखों में आंसू आ गए। कहा अबू कदादा तुम हमारे चचेरे भाई हो, हमारे दोस्त हो, हमारे भाई हो, तुम जानते हो दिली तौर पर मैं अल्लाह व रसूल से कितनी मोहब्बत करता हूं। चचेरे भाई ने कोई जवाब नहीं, ना तो सलाम का जवाब दिया ना कोई। उन्होंने कहा अल्लाह बेहतर जानता है तुम्हें मोहब्बत है कि मोहब्बत नहीं है। हजरत काब रजी अल्लाह तआला कहते चचेरे भाई की ये बात सुनकर मुझे रोना आ गया और मैं कुछ नहीं बोल सका, फिर जंप किया दीवार पे चढ़ा और बाहर आ गया। इस तरीके से 40 दिन का अरसा गुजर गया, एक दिन नहीं दो दिन नहीं मुकम्मल 40 दिन इस हालत में रब तआला ने फरमाया वज़ाकत अलैहिम अल-अर्ض बिमा रहबत वज़ाकत अलैहिम अन्फुसुहुम वज़न्नु अल्ला मुल्जा मिन अल्लाह, इनके लिए जमीन ही तंग रही हो गई कुछ आदगी के बाद, बल्कि इनका नफ्स इनका दिल भी इनके ऊपर तंग हो गया। अब इनके लिए एक ही रास्ता था तौबा इस्तग़फ़ार और अल्लाह को राजी कर लेना। 40 दिन गुजरे थे, 40 दिन के बाद ऐलान हुआ कि अब इन लोगों को कह दो अपने बीवियों से भी अलग हो जाएं। अभी तक तो बीवियां बात कर रही थी, खाना बना के दे रही थी, बिस्तर पे सो रही थी, लेकिन अब रब के हबीब नबी ने कहा कि कह दो इनकी बीवियां इनसे अलग हो जाएं। चुनांचे हजरत
काब रजी अल्लाह तआला कहते सिर्फ बिस्तर से अलग या कि घर से अलग कह दे इनको मैके भिजा दे। कहा गया मैके भिजा दो, लेकिन वो दोनों सहाबी कमजोर थे, जरूरी थे, उनको खिदमत की जरूरत थी, इजाजत दे दी गई। इस तरीके से 50 दिन का अरसा गुजर गया। किस बात की सजा थी? क्योंकि इन लोगों ने नबी अलैहिस्सलाम की मदद करने में सुस्ती बरती थी। 50 दिन तक अल्लाह ताला ने इनके लिए जिंदगी और दुनिया मुश्किल कर दिया था। तौबा करते करते थक गए थे, तुम बता जा रही, फिर तौबा किया, अल्लाह ताला ने इनके तौबा को कबूल किया और सारे सहाबा उनको खुशखबरी दी और अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्साबिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह ताला से डरो और सच बोलने वालों के साथ हो जाओ। सच बोलने वाले कौन थे? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो लोग थे जो नबी की मदद के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए निकल गए थे। तो मेरे भाई, सबसे पहले अल्लाह से मोहब्बत, फिर अल्लाह के लिए नबी से मोहब्बत, फिर नबी से मोहब्बत का तकाजा क्या है? नबी की मदद। अब सवाल यह पैदा होता है, किसी से मोहब्बत क्यों किया जाए, क्यों की जाती है? किसी से मुकम्मल मोहब्बत करने के लिए चार चीजें होना जरूरी है। एक जमाल, दूसरे कमाल और तीसरे करावत, चौथे एहसान। ये चार चीजें किसी के अंदर होती हैं तो हकीकी मोहब्बत उससे हुआ करती है, वरना किसी से मोहब्बत हुई तो थोड़ी देर के लिए, नफ्सानी ख्वाहिशात को मिटाने के लिए होती है। लेकिन ये चार चीजें किसी के अंदर होती है तो मोहब्बत हकीकी होती है। और ये चार चीजें मैं समझता हूं नबी के अलावा किसी और के अंदर है ही नहीं, ना हुई। सबसे पहले जमाल, खूबसूरती। चुनांचे हजरत अबू उबैदा बिन मोहम्मद कहते हैं, हमने रबी बिन मुअव्विस से सवाल किया, ये बताओ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया कैसा था, चेहरा कैसा था, आप बताएं। तो वो कहते हैं कि क्या तुमने कभी सूरज निकलते हुए देखा है, तुलू होते हुए देखा है? कहा हां। बस कहा नबी वैसे थे। अगर कोई शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आता हुआ देख लेता था तो ऐसा दिखता था कि सुबह सुबह सूरज निकल रहा है। हमारे नबी इतने खूबसूरत थे। हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह तआला ने कहते हैं कि नबी कितने खूबसूरत थे कि नबी से ज्यादा खूबसूरत किसी को हमारी आंखों ने देखा ही नहीं, और नबी जैसा खूबसूरत किसी औरत ने औलाद जनी ही नहीं है। ऐसा लगता था कि अल्लाह तबारक व ताला ने नबी की चाहत के मुआफिक नबी को पैदा किया है। तो अल्लाह के नबी इतने खूबसूरत, इतने हसीन व जमील थे। और फिर दूसरी चीज कमाल। जमाल और कमाल में क्या फर्क है? जमाल जाहिरी खूबसूरती को कहते हैं, नाक अच्छी हो, आंख अच्छी हो, चेहरा अच्छा हो, हाथ पैर अच्छा हो, बदन अच्छा हो, तो ये जाहिरी खूबसूरती है। और कायनात में सबसे अच्छी खूबसूरती नबी की थी। नहीं तो देख लो, आपने पढ़ा होगा, बारात सुना भी होगा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इतनी खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि जब उनकी जुलेखा ने गुजारा और एक हाथ में छुरी और फल दे दिया और गुजरते ही औरतों कहा काटो, तो उनकी खूबसूरती को देखने में औरतें मुलव्वत हो गई, यहां तक कि फल के बजाय उंगलियां काट ली, इतने खूबसूरत थे। लेकिन अल्लाह की कसम, हमारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खूबसूरत, इतने खूबसूरत, सहाबा इकराम ने उंगलियां नहीं काटी बल्कि गर्दनें कटा दी अपनी, इतने खूबसूरत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो चाहत के लिए पहली चीज जमाल और दूसरी चीज कमाल। जमाल जो है जाहिरी खूबसूरती को कहते हैं और कमाल जो है बातिनी खूबसूरती को कहते हैं। जैसा कि हदीस मशहूर है, आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक क्या था,
कान खुलुकुहुल कुरान, उन्होंने क्या कहा, क्या तुमने कुरान को नहीं पढ़ा। अल्लाह ताला ने दो कुरान उतारा, एक दो बस्तियों के दरमियान और एक मदीना के बस्तियों में चलने फिरने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी मुकम्मल कुरान की एक एक आयत की तफसीर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जो कुरान की तफसीर बन जाए, अल्लाह की कसम कायनात में उससे बड़ा कमाल वाला कोई नहीं हो सकता। तो नबी सबसे बड़े जमाल वाले, नबी सबसे बड़े कमाल वाले। और तीसरी चीज, तीसरी खसूसियत, करामत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी से अपने उम्मत से इतनी करामत थी, इतनी करामत थी कि अल्लाह ताला ने कहा सूरह कहफ में, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا। اللہ تعالیٰ نبی کہہ رہا ہے، اے نبی کیا یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو آپ ان کے ایمان نہ لانے کے وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نبی کو جو اپنے امت سے درد تھا، قرابت تھی، اور ایمان نہ لانے کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی تھی، جو حیرانی اور پریشانی ہوتی تھی، اس کا تذکرہ قرآن کے اندر ذکر کر رہا ہے۔ اور نبی خود کہتے ہیں انما مثلی کمثل الناس ومثلی رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله۔ آپ نے اپنی مثال بیان کی، اپنے درد کو، اپنے قرابت کو بیان کیا، کس طریقے سے آپ کی امت سے آپ کی قرابت داری ہے، رشتے داری ہے۔ آپ کہتے ہیں میرا اور میری امت کا معاملہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص اندھیرے میں روشنی کرے، چراغ جلا دے، اب کیڑے مکوڑے روشنی کے جا کر اس پر گرنے لگے، روشنی کرنے والا ان کو بچانے لگے، لیکن پھر کیڑے آگ میں گر کر جلنے لگے۔ نبی نے فرمایا یہی معاملہ ہمارا اور تمہارا ہے۔ کیا ہے امت کے لوگوں، ہم تمہاری کمر کو پکڑ پکڑ کے کھینچ رہے ہیں، ادھر آؤ ادھر آؤ، لیکن تم زبردستی ہمارے حصے چھوٹ جاتے ہو اور آگ کے گڑھے میں کود جا رہے ہو۔ اللہ کے نبی اپنی پریشانی کا ذکر خود کیا کرتے ہیں، انما مثلی کمثل الناس۔ چنانچہ مسند اور مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی، سورہ مائدہ کی آخری آیتیں ہیں، ان تعذبهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم۔ یہاں ایک لمبا واقعہ، ادھر گئے تو شاید وقت بھی ہو گیا، پانچ منٹ میں بات ختم کر دوں، بہت لمبا بات ہے، مختصر یہ کہ نبی نے تلاوت کی، اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر چاہے تو عذاب دے، چاہے تو معاف کر دے، تو غالب حکمت والا ہے۔ آپ نے یہ آیت پڑھی اور اس کے بعد ہاتھ اٹھایا، دعا کرتے رہے، دعا کرتے رہے، اللہم امتی، اللہم امتی، اے اللہ میری امت، میری امت، میری امت۔ رب کی رحمت جوش میں آئی، جبریل امین کو بھیجا، پوچھو میرے حبیب کو کیا چاہیے، کیوں اس طریقے سے میرا نبی گر گرا رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیا چاہت ہے اس کی، کیا آرزو، کیا تمنا ہے۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب پوچھتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا درد بتا دیا، اپنا غم بتا دیا، اپنا رنج دکھا دیا۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام گئے، اے اللہ تیرا حبیب، تیرا نبی اس لیے اتنی دیر سے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے جبریل جاؤ میرے حبیب سے کہہ دو کہ تمہیں تمہاری امت کے بارے میں پریشان نہیں ہونے دیں گے، بلکہ تمہاری امت کے بارے میں تمہیں خوش کر دیں گے۔ اتنی قربت تھی، اتنی عزیز تھی نبی کو نبی کی امت۔ اور اسی طریقے سے حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس آیت کو پڑھتے تھے، بار بار اس آیت کو پڑھے، ان تعذبهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم۔ اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تو چاہے ان سے گناہ ہو گیا ہے بخش دے، تو چاہے تو ان کے گناہوں پر عذاب دے دے، لیکن میں چاہتا ہوں اے
अल्लाह बख्श दे, यही आयत बार बार पढ़ते रहे, रुकू सुजूद करते रहे, यहां तक कि रात गुजर गई। हाफिजुल हदीस हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला सवाल करते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर रकात में बार बार यही आयत पढ़े और इसी आयत पे रुकू और सुजूद किया, रात को खत्म कर दिया, मामला क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ऐ अबू हुरैरा, मैं अपने उम्मतियों की सिफात की दुआ रब से मांग रहा था, अल्लाह ताला ने मेरी दुआ को सुन लिया और रब ताला ने ये बशारत मुझे सुना दी, खुश कर दिया कि नबी आपके उम्मत को हम बख्श देंगे सिवाय उन लोगों के जिन्होंने आपके उम्मत में शिर्क किया हो। नबी को इतनी कुर्बत थी अपने उम्मतियों को, बताओ कायनात में किसी को किसी से इतनी मोहब्बत, इतनी कुर्बत, इतना प्यार, इतना लगाव है क्या? अगर है तो उससे मोहब्बत करो। ये तीन चीजें थी। चौथी चीज एहसान है। आज हमारे आपके ऊपर कोई छोटा सा एहसान कर दे, हमदर्दी का मामला कर दे, तो फितरी तौर पर हम उससे मोहब्बत करने लगते हैं, उसकी तारीफ करते रहते हैं, उसके होकर रह जाते हैं। अल्लाह ताला ने एहसान जतलाया, لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم। अल्लाह ने फरमाया, सबसे बड़ा एहसान हमने किया तुमने ही से एक नबी बना दिया जो हमारी आयतों को तिलावत करता है और तुम्हें नसीहत करता है, तुम्हें गुनाहों से पाक साफ करता है। यह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एहसान था। चुनांचे हुनैन के बाद माल दौलत आया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुछ माल ज्यादा नए नए मुसलमानों को दे दिया ताकि उनका दिल मजबूत हो जाए फितरी तौर पर। तो कुछ लोगों के जबान से ये निकला या तकलीफ पहुंच गई, इनको ज्यादा दिया गया हमें कम दिया गया। ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गई। आपने हुक्म दिया सब कोई जमा हो गए, हो जाओ। सब जमा हो गए। आपने बड़े दर्द भरी आवाज में कहा, या माशाल अंसार, आया अंसारों की जमात, अलम अजिदकुम ज़ाल्लन फ़हदकुम अल्लाह, ये बताओ क्या तुम गुमराह नहीं थे? अल्लाह ताला ने तुम्हें गुमराही से निकाल कर सिरात मुस्तकीम पर लगाया मेरे जरिए। अंसारियों ने सर झुका दिया, कहा हाँ अल्लाह के नबी आप सच कहते हैं। आपने कहा ये बताओ कि तुम आपस में लड़ने झगड़ने वाले थे, एक दूसरे के खून के प्यासे थे, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी दुश्मनियां जमाने की मेरे जरिए से खत्म करके आपस में भाई भाई बना दिया, क्या ये सच नहीं है? लोगों ने कहा हाँ आप सच कहते हैं। आपने फरमाया ये बताओ तुम गरीब थे मोहताज थे, अल्लाह ने मेरे जरिए से तुम्हें गनी और मालदार बना दिया, क्या ये सच नहीं है? सहाबा इकराम ने कहा अरे अल्लाह के रसूल आप सच कहते हैं। आपने फरमाया वलौ शीतुम कुलतुम दीना कदा व कदा, अरे अंसारियों मैं कहता जाऊंगा तुम सुनते जाओगे, हाँ हाँ करते जाओगे, लेकिन तुम ये भी कह सकते हो कि ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बेसहारा थे, सहारा हमने दिया, आपको कोई सहारा दे नहीं रहा था, हमने आपका साथ दिया, तुम ये कह सकते हो। लेकिन याद रखो ऐ साहबियों, हमें तुमसे इतनी मोहब्बत है, इतना लगाव है, इतना प्यार है कि अगर क्या तुम्हें ये गवारा नहीं है कि लोग माल लेके जाए इस आबादी से, लोग भेड़ बकरियां लेके जाए, लोग ऊंट लेके जाए, लोग जायदाद लेके जाए, क्या तुम्हें ये गवारा नहीं है कि तुम जब अपने घरों को वापस हो तो माल नहीं, भेड़ बकरियां नहीं, बल्कि अल्लाह के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ में लेके जाओ। सादे काम ने सर झुका दिया, कहा हमें माल नहीं चाहिए, बकरियां नहीं चाहिए, ऊंट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह चाहिए। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एहसान था उम्मत पर। सिर्फ एक बात, एक एहसान का तज़किरा करके हम अपनी बात को खत्म कर दें। मूसा बलदारी हफ़िज़हुल्लाह दावत तबलीग के जो एक किताब छापे हैं उसके अंदर बहुत पहले एक वाकया पढ़ने में आया कि एक उनका कोई पहचानत का था, वो उस शख्स को कंपनी थी बड़ी, लेकिन उसको किताबचे पढ़ते बहुत ज्यादा पढ़ने की मुताला करने की आदत थी, हमेशा पर्चा मंगाया करता था, मुताला करता था। इत्तेफाक से
एक मरतबा पर्चा मुताला कर रहा था, उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस गुजरी। हदीस क्या थी? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मजदूरों का पसीना सूखने से पहले उनकी मजदूरी दे दो। और हम कितना फिराते रहते हैं। अल्लाह के नबी का फरमान क्या है? मजदूरों का पसीना सूखने से पहले उनकी मजदूरी दे दिया करो। कंपनी के सेठ ने मद्रास के फौरन फोन किया अपने मैनेजर को। मैनेजर, कहा क्या बात है? कहा देखो, कल से ऐलान कर दो, जो शख्स चाहे रोज के रोज अपनी मजदूरी ले ले, जो चाहे दो दिन पे ले, जो चाहे हफ्ते में ले, जो चाहे महीने में ले, जो चाहे 15 दिन पे ले। मैनेजर ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? रोज मान अगर कोई मांगने वाला है तो आपको ये कहना चाहिए कि महीने में ले। आप उल्टा करें, शायद भूल गए। कहा नहीं, हम सही कह रहे हैं, आप ऐलान कर दो। ऐलान कर दिया। फोन किया मजदूर ने, शेर साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूं। कहा ठीक है, आ जाओ ऑफिस में। आए तो मैनेजर ने कहा, ये बताइए आपने ये ऐलान क्यों किया है? अभी तक महीने महीने को आप मजदूरी देते थे, अचानक आपने ये ऐलान किया कि रोज के रोज शाम में घर जाने से पहले लोग मजदूरी ले ले। कहा इसलिए कि आज मैंने अपने प्यारे नबी, यह नबी की सुन्नत की मदद, यह है मोहब्बत का तकाजा, यह है नबी अलैहिस्सलाम की प्यार की अलामत। कहा आज तक मेरे सामने से नबी की यह हदीस गुजरी नहीं थी। आज पर्चा पढ़ रहा था, पर्चे में नबी की यह हदीस आई, ये फरमान आया कि नबी ने फरमाया जो शख्स लोगों को चाहिए अपने मजदूरों के पसीना सूखने से पहले मजदूरी दे दे। तो आज हमने सोचा आज ही से नबी के इस फरमान पर मैं अमल कर जाऊं और रोज के रोज अपने कंपनी में काम करने वालों को मजदूरी दे दूं। उसने कहा ठीक है, चले गया रात में। दूसरे दिन आया, फिर फोन किया, सेठ साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूं। कहा आ जाओ। आ गया। कहा क्या बात है? कहा आज रात भर मैं सो नहीं सका। कहा क्यों? कहा मैं सोचा है रात में, आज से 1400 बरस पहले आपका नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए, मदीना में वफात पाए। लेकिन कितना बड़ा एहसानमंद था, कितना बड़ा मोहसिन था, कितना बड़ा नेक था, कितना बड़ा वो खैर खा था कि हिंदुस्तान के अंदर मद्रास है, मद्रास के अंदर एक छोटी कंपनी है, छोटी कंपनी ने हम जैसे मजदूरों के बारे में उसको इतनी बड़ी चाहत है, खैर खाई है कि वो हुक्म यह देता है कि मजदूरों के पसीना सूखने से पहले मजदूरी दे दो। इतना अच्छा इंसान, इतना खैरखा इंसान, ऐसे साहब, उस नबी पर ईमान लाने के लिए हम एक मिनट भी जाया नहीं करते। हाथ बढ़ाइए, उस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह की कसम, इस एक हदीस से वो सब मुसलमान हो गया। तो ये चार खूबियां हैं किसी से मोहब्बत करने के लिए। एक जमाल, कमाल, परावत और एहसान। और ये चार सिफतें नबी अलैहिस्सलाम के अलावा किसी और के अंदर नहीं हो सकती है। अब अगर हमारे अपने ईमान को बरकरार रखना है तो अल्लाह से मोहब्बत, फिर अल्लाह के लिए नबी से मोहब्बत, फिर नबी की मोहब्बत की अलामत के लिए नबी की मदद। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक रफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरान अल मजीद व नफअना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम व आखिरु दावाना अल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।